तो गाइज ये है स्कूल एसएमपी और इस स्कूल एसएमपी के अंदर मेरे पास बहुत सारा पैसा है अभी तक, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं अमीर से सीधा गरीब हो जाता हूँ और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। इवन दो मेरी इतनी महंगी प्रॉपर्टी भी सील कर दी जाती है, पर क्यों? ऐसा तो क्या होता है स्कूल एसएमपी के अंदर, उसको जानने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी जाके वीडियो को लाइक करो। पता नहीं क्या अगले चल रहा है पर आजकल लाइक का बटन ही काम नहीं कर रहा। और हाँ गाइस, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो यार, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो पहुंचना है यार। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, हम लोग 1 मिलियन कैसे पहुंचेंगे? यस गाइस, और हाँ आज की इस वाली वीडियो का लाइक है 25,000 लाइक्स। हाँ गाइस, एक और सुहाना दिन स्कूल एसएमपी के अंदर। और ये देखो गाइस कितना सुहाना दिन है, वाव मेरा स्विमिंग पूल देखो भाई कितना हरा भरा रहता है हमेशा। मेरे को यार हमेशा मन करता है कि मैं स्विमिंग करूं, पर क्या करेगा इस प्रेसिडेंट हुआ, बहुत सारे काम रहते तो उसको भी ऐसे कंप्लीट करना पड़ता है ना गाइस, क्या करे, बहुत अंधा पैसा। और ये देखो गाइस मैंने रिसेंटली एक बहुत तगड़ी चीज ली थी, पता है ये देखो। ए एक सेकेंड, मैंने अभी नोटिस किया मेरा, अरे हाँ अभी मेरा आर्मर, मेरा ट्राइडेंट, एक सेकंड मेरा सारा सामान कहाँ पे जा चुका है? वेट वेट वेट, मैंने कहीं पे स्टोर किया है क्या उसको? ये चेस्ट में देखते हैं। अरे एक सेकंड, मेरा सारा सामान कहाँ पे गया? हेलो, ओ मैं मरा था क्या लास्ट एपिसोड में? मैं मरा तो नहीं था। और वेट, क्या मैसेज आ रहा है मेरे को? ये ओसीरिस का मैसेज आया मेरे को अभी, बाहर आ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? पर ये चल क्या रहा है एसएमपी में? मेरा सारा सामान कहाँ पे जा चुका है? एक सेकंड, मैंने कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर किया था, पर क्या पता मैं उसको भूल गया हूँ, मैंने वॉशरूम में कहीं छुपाया था उसको। छह वॉशरूम में तो मैं नहीं छुपाऊंगा, बहुत बास मारता है यहाँ पे। पर मैंने उसको कहाँ पे छुपाया था? नीचे के फ्लोर में चेक करते हैं, नीचे के फ्लोर में चेक करते हैं। वैसे नीचे के फ्लोर में जाने का रास्ता ओके ये रहा रहेगा। ओके मैंने कोई चेस्ट में उसको रखा होगा या एंडर चेस्ट में रखा होगा, ऐसी बात तो नहीं है गाइस, मैंने उसको रखा तो था कहीं पे ऐसे। यार वो मेरा सामान जा नहीं सकता यार कहीं पे। हेलो, कहाँ गया मेरा सामान? वेट भाई, मेरा सामान कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। वेट, मेरे को याद है कि इस वाले स्विमिंग पूल में मेरी एक सीक्रेट चेस्ट हुआ करती थी, वो सीक्रेट चेस्ट मेरे को कहीं दिख रही है। ओ भाई यार, वो चेस्ट भी नहीं दिख रही मेरे को, कहाँ गया यार मेरा सारा सामान? वेट, ओसिरिस मेरे को बाहर बुला रहा था, बाहर चलते हैं, मेरे को लगता है उसने मेरे सामान के साथ कुछ झोल किया है। चलते हैं फटाफट से बाहर और देखते हैं वो कहाँ पे है। वो रहा भाई बाहर डोल रहा है वो। ए ओसिरिस, ओए मेरा सामान, ये सब क्या चल रहा है ओसिरिस? अभी क्या मतलब तुम अभी ऐसे क्या अचानक से आ गए और ये मेरी इन्वेंटरी को क्या हो गया? हाँ ये सब क्या चल रहा है सर्वर में, मेरे को जल्दी बताओ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को ये सब जानना जरूरी है, क्या चल रहा है? सुन सुन सुन, सबसे पहले तो तू प्रेसिडेंट नहीं है, चीफ ने कल ही तुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया है। अगले 5 दिन तक जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। मेरी इन्वेंटरी भी चीफ ने उड़ाई है और इस प्रॉपर्टी पे भी अब तेरा कोई अधिकार है नहीं। उन्होंने मुझे तुझे खाना और ये स्वॉर्ड देने को कहा था, तो ये ले। क्या क्या चल रहा है यार, ये चीफ ऐसा कैसे कर सकता है भाई? मैंने इतनी मेहनत से ये सब किया है, मैं कितने अच्छे रूल्स बनाता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसने ये सब क्यों किया? पिछले वीडियो में क्या किया तूने वो भूल गया क्या? क्या क्या कुछ भी तो नहीं किया मैंने, तुम लोगों ने किया था उल्टा। अच्छा फोर्स गेम मोड वो, पर वो चीफ को किसने बताया? मैंने। तुमने क्यों बताया? हाँ अच्छा नागरिक हूँ एसएमपी का। अच्छा नागरिक, एक नंबर के चोर फकीर हो तुम। मैं मारूंगा, मर जाएगा। ठीक है, अरे मत मारो। और वेट, तुमने भी तो बहुत सारे क्राइम किए थे, तुम्हारी इन्वेंटरी तो क्यों नहीं गई? हाँ तुम भी तो गवर्नमेंट में जॉब करते हो। पहले तो मैं इलेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा और दूसरा मैंने ही खबर दी, यही तो डील थी। ऐसी की तैसी, मतलब ये घर अब मेरा नहीं रहा? नहीं, ये अब सी अगले प्रेसिडेंट तक के लिए। पांच दिन तक अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ अब? नहीं, कुछ जॉब वॉब ढूंढ लियो वरना इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा। ये क्या चल रहा है गाइस भाई? पर ये क्या हो गया यार, मेरी प्रॉपर्टी जा चुकी है, मेरी इन्वेंटरी जा चुकी है, पोपट ही पोपट हो रहा है यार। मैं जब से स्कूल एसएमपी में आया अभी ज्वाइन किया भाई, मेरा अनलकी अनलक चल रहा है। और वैसे तुम अब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं तो भी बैंक जा रहा था, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीफ ने दिया था सामान डिपॉजिट करने। वैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि बैंक के सर्वर से तेरा अकाउंट भी रिसेट मार दिया है, थोड़ा सा पैसा जितना तेरा जॉब का बचा था वही रखा। कितना कितना पैसा है मेरे पास? 1 लाख, सिर्फ 1 लाख। मेरे पास 6 मिलियन हुआ करते थे, अब 1 लाख पे आ चुका हूँ। गाइज ये क्या हो रहा है यार, मैं गरीब पे गरीब हुआ जा रहा हूँ। और बट ये क्या डिपॉजिट करने जा रहा है? हाँ चीफ ने ऐसा तो क्या इम्पोर्टेंट दिया है, चीफ ने ऐसा तो क्या दिया है भाई? ये बंदा ऐसा तो क्या छुपाने जा रहा है भाई जो मेरे को नहीं बताया इसने? भाई मेरे को सारी चीजें बताता था ये पहले कि चीफ क्या कर रहा है क्या कर रहा है, पर अभी तो ये मतलब क्या ये मेरे को बता क्यों नहीं रहा कुछ? और गाइज अगर आप लोगों को ना बताओ तो मैं बता दूं कि हमारे सर्वर के अंदर एक चीफ भी आया है जो कि प्रेसिडेंट के भी ऊपर रहता है। यू नो गाइस, प्रेसिडेंट अगर सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाता तो वो चीजें चीफ हैंडल करता है। और आजकल चीफ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि देखो गाइस उसने मेरी इन्वेंटरी उड़ा दी भाई, चीफ का कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे ये ओसरे सभी क्या मतलब क्या ऐसे क्या डिपॉजिट करने गया है? हाँ मतलब अंदर ये देख रहा है भाई मेरे को, इसको थोड़ा दूर रहता है वो, जा गया, चला गया अंदर चला गया। देखते हैं भाई ये क्या डिपॉजिट करने जा रहा है ऐसा तो। ओके
चलता है। ये क्या कर रहा है बटन दबा के, क्या कर रहा है ये? हाँ क्या क्या हुआ वो? हाँ तुझे एक चीज बतानी थी, वो तेरा एटीएम अभी भी वर्क कर रहा है तो तू बाहर एटीएम से डायमंड ले सकता है। ठीक है ठीक है, हाँ वो मैं ले लूंगा तुम। हाँ ले रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। तू बैंक क्यों आया था? ATM से पैसे निकालने आया था भाई। इसको मेरे पे शक हो रहा है यार, मेरे को अभी थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। ओके चलो एक्टिंग करते कि मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके वो जा चुका है अंदर। वो कर क्या रहा है भाई, वो क्या डिपॉजिट कर रहा है भाई? वो ट्रेजरी रूम में जा रहा है। ये चलते चलते पीछा करते उसका, वो क्या सीक्रेट काम करने जा रहा है भाई? अरे हाँ चलते हैं, ये चलते हैं भाई ट्रेजरी रूम में चलते हैं। कुछ तो झोल कर रहा है ये बंदा, मेरे को ऐसा लग रहा है ये कुछ तो झोल कर रहा है, ये क्या मतलब? चलते हैं। क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? ये वॉल्ट में वेट वेट वेट, मेरे को थोड़ा सा छुप के रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस रूम के अंदर छुप जाता हूँ, वेट करते जब तक वो बाहर नहीं आता उसका, और उसके बाद जैसे वो बाहर आके ऊपर जाएगा हम जाके देखेंगे कि वो वॉल्ट के अंदर ऐसी तो क्या चीज डिपॉजिट करने जा रहा है। ये वो बाहर है, बाहर है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो चला गया। क्या कर रहा है पर ये, क्या डिपॉजिट किया इसने? चलो चलते देखते हैं। ये भाई क्या क्या डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे बताओ? वेट ये रेड शेल्कर बॉक्स, ये पहले नहीं था, इसके अंदर क्या है भाई? क्या शेल्कर बॉक्स के अंदर क्या है? हाँ इतना सारा सामान। ए ब्रो भाई एक सेकंड, मेरे पास इन्वेंटरी में कुछ भी नहीं है भाई, इतना सारा तो मेरे को मिलना बनता है यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है आज से सारा सामान। क्या तेरी है? पिलेजर लोग क्यों आ रहे हैं? हाँ ये पिगलिंस लोग क्यों? अबे क्या है तुम्हें, हटो ना, अबे अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बैंक के अंदर नेदर पोर्टल कौन बनाता है? हाँ शेह नुबड़ा कहीं का। और चलो वैसे मैं सामान ले लेता हूँ यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इतना तो लूंगा ही ना। और वेट मेरे पास खाना सिर्फ इतना यार, मेरे को खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास 1,00,000 रुपए है तो मैं उससे कुछ अपना बेसिक सामान तो निकाल पाऊंगा। चलो भाई अपने पास ट्राइडेंट तो आ चुका है, पर यार मेरी पुरानी इन्वेंटरी मेरे को नहीं मिल पाएगी। मेरा नेदराइट का आर्मर यार, मैं नेदराइट के आर्मर से देखो आयरन के आर्मर के अंदर आ चुका हूँ। अब ये काम करते हैं, आयरन आर्मर उतारते हैं और ये ट्राइडेंट हटाते हैं ताकि उसको लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या हेलो ओसरिस, क्या मैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्या? हाँ नीचे था मैं, कुछ काम से नीचे था मैं। क्या हुआ, खाना खत्म हो गया क्या? नहीं रे खाने की कोई बात नहीं है, ठीक है जा रहा हूँ मैं अभी, कुछ ऐसे कुछ खास बात नहीं है अभी, तुम काम करो अपना। चोरी वोरी तो नहीं करने आया था? पागल हो गया, चोरी करूंगा मैं, प्रेसिडेंट हूँ मैं, मतलब हाँ मैं। अबे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। गुड बाय। एटीएम से डायमंड लेके जाना। चलो गाइस मैं जैसे तैसे बचा हूँ, पता है अभी अगर वो मेरे हाथ में ये आयरन के टूल्स देख लेता ना वो मेरे पे शक करता। चलो भाई मैंने चोरी तो सक्सेसफुल कर ली है, पर इतने सामान से मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी के लिए एक काम करते हैं, इस घर के अंदर चलते हैं, अभी शॉप खोलते हैं और देखते हैं शॉप के अंदर मेरे को कुछ खाने का मिल पाता है या फिर नहीं। चलो भाई मेरे को यहाँ पे गोल्डन कैरेट्स तो दिख रहे हैं, एक काम करते हैं फटाफट से एक्स्ट्रा गोल्डन कैरेट खरीद लेते हैं। चलो गाइस सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। और वैसे गाइस मेरे को कोई ना कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो यार मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा और मैं वापस से इलेक्शन के अंदर भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा यार। अगर यार मेरे को वापस से प्रेसिडेंट बनना है तो मेरे को इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। यार गाइस रात बीत चुकी है, मेरे पास कुछ भी काम नहीं मिला अभी तक यार, कैसे पैसे आएंगे? अगर ऐसे मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं तो यार इलेक्शंस के अंदर खड़ा ही नहीं रह पाऊंगा। अरे वेट मेरा दोस्त कुणाल, उसके पास एक बहुत तगड़ा वाला कैफे है, वो मेरे को पक्का कोई ना कोई तगड़ी जॉब देगा और बहुत सारा मालामाल करेगा मेरे को। चलते हैं भाई इसके इसके कैफे के अंदर थोड़ा सा काम करते हैं और देखते हैं इसके पार्टनरशिप हो सकती है या फिर नहीं, ठीक है। सोचो हो गई तो कितना पैसा मिलेगा। ओके चलो चलते हैं। ओके तो सर आपका ऑर्डर हो चुका है, क्या अभी बाद में भी आना, ठीक है? अरे कुणाल यार एक इमरजेंसी वाली बात करनी थी यार। हाँ क्या हो गया बोलो। देखो यार तो देख तेरी शॉप इतनी है, जो कैफे है तेरा वो इतना तगड़ा चल रहा है, इतने कस्टमर्स है, तू अकेला तो सब संभाल नहीं पाता होगा, है ना? अरे नहीं संभाल लेता, अरे ऐसी बात नहीं है। देख यार मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, हम साथ में मिलके करते हैं ना। देख यार अभी एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है यार मेरे को। अरे तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुमको क्या जरूरत है भाई? अरे यार प्रेसिडेंट हो तो इसका मतलब ये थोड़ी यार कि तो समझ यार, देख थोड़ा इशू हुआ है। अबे चल मैं भिखारी, क्या मैं तेरे को काम दूंगा? साले ऐसा क्या करता है, प्रेसिडेंट हूँ भूल गया? टैक्स वैक्स देता था तू मेरे को? कल तक प्रेसिडेंट था भाई, अब नहीं है। इमोशनल यार, देख काम दे दे यार कुछ तो। नहीं भाई मेरे यहाँ पे यार इतने अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड लोग आते हैं और मैं तेरे को काम पे रखूंगा तो वो लोग ऐसे ही भाग जाएंगे। अच्छी यार गाइस ये तो बेस्ती कर रहा है, ऊपर से कोई जॉब भी नहीं दे रहा। छी भाई इससे बात करना तो बेकार, तू अपना कैफे संभाल साले, ऐसी की तैसी। देखना जब वापस से मेरे दिन आएंगे ना 39-60% टैक्स लेने आऊंगा, और अगर नहीं दिया ना
तो बुलडोजर लाके ये पूरा कैफे तोड़वाऊंगा तेरा, ठीक है? याद रखना मेरी बात को, ठीक है? याद रखना। और एक कस्टमर है तेरे को क्या इसकी शॉप पे, क्या मजा आ रहा है खाने में? मेरे कस्टमर्स को नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं। फक तेरी ऐसी कि इसकी कैफे में खाओगे, इसके कैफे में खाओगे ऐसी की तैसी। तो अबे जा रहा हूँ भाई, मार देगा क्या? अरे जा रहा हूँ आज के बाद दिख मत जाना इधर पे, चल हटना भाई। क्या यार छी, अबे जा रहा हूँ भाई, तू पीछे पड़ गया, अबे भागो, अबे पीछे ही पड़ गया, भाग यार यहाँ से। अबे इसकी ऐसी की तैसी यार, एक जॉब नहीं मिल रही गाइस डंकी मेरे को। भाई मेरे को लगा कि यार ये मेरा दोस्त तो कुछ ना कुछ जॉब देगा, पर यार टैक्स के मामलों में मैंने इसे भी परेशान कर रखा था, तो ये मेरे को घंटा कुछ नहीं दे रहा है। अब यार मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वेट गाइस, यहाँ पे ब्रूइंग शॉप के अंदर ये ग्लास बोतल $10 की एक बिकती है, यानी कि अगर मैं बहुत सारा सैंड माइन करूँ और उसको अगर मैं ग्लास बोतल के अंदर कन्वर्ट करूँ तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अब यार ये तो सही हो गया यार, एक काम करते हैं, SMB के आसपास की जितनी भी सैंड है ना सारी कलेक्ट करते हैं, उससे ग्लास बनाते हैं, फिर ग्लास बॉटल्स बनाते हैं और एक बॉटल जाएगी $10 में। ऐसे तो यार चलो यार मेरा गुजारा तो हो जाएगा एटलीस्ट। तो ठीक है, काम करते हैं फटाफट से, सैंड माइन करते हैं और जितना भी पैसा अभी फिलहाल के लिए बन सकता है उतना बनाते हैं, ठीक है? चलो चलो गाइस फटाफट से को सैंड माइन करना पड़ेगा ताकि अपने जल्दी के जल्दी करोड़पति हो जाए। यार सोचो यार गाइस, मैं ऐसे इतनी बोटल्स को बेच के मैं करोड़पति तो बन ही जाऊंगा ना। चलो गाइस सैंड वगैरह तो माइन कर दिया, अभी फटाफट से बहुत सारे फर्नेस रखते हैं। और ये देखो गाइस मेरे पास बहुत सारा ब्लॉक ऑफ कोल था जो कि मैंने रिसेंटली खरीदा है, तो अभी इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और फटाफट से स्मेल्ट करते हैं सारी की सारी सैंड को गाइस, और उसके बाद बहुत सारा ग्लास बना के पैसा कमाएंगे। ओके यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे चलते हैं सेल और सेल करते हैं इसको गाइस। ओके तो अभी मेरे पास $210 प्लस $110 प्लस $640 मेरे पास ऑलमोस्ट $1000 हो चुके हैं। ओ भाई ऐसे तो मैं पैसा तो कमा पाऊंगा पर $1000 शह ये तो बहुत कम होता है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से SMP में कई दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद बूम गाइस, ये देखो गाइस मैंने यहाँ पे अपना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा फार्म खोल दिया है जिससे मेरे को बहुत सारा पैसा मिलता है। इससे जो भी वीट और शुगर केन और कैरेट मिलता है वो सारा मैं बेचता हूँ। और ये देखो गाइस मेरा फार्म कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, जितना भी सामान यहाँ पे उगता है वो सारा मैं काटता हूँ और फिर उसको बेचता हूँ। ओ भाई चलो तो अपना फार्मिंग का बिजनेस तो सही चल रहा है एकदम। SMP में इतना खाली खाली क्या यार, कोई है नहीं आज, पता नहीं कोई है नहीं आज SMP के अंदर। वेट क्या चल रहा है, एक सेकंड आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। छे ये प्रॉक्सिमिटी चैट में से किसकी आवाज आ रही? ए ये तीन कौन है? हेलो ओ हेलो, एक सेकंड, तुम लोग कौन हो? ए मार क्यों रहे हो, कौन हो तुम लोग? मैं SMP का डॉन हूँ, ये SMP मैंने रख ली है। क्या डॉन के हलवाई जैसी शक्ल है तुम्हारी डॉन को? ऐसे पटकेंगे ना उठा उठा के। पर क्या, अरे मेरे चेले ही तेरे को मार देंगे। क्या, अरे क्या ये चेले, ये उड़ी बाबा हबीब, ये कौन है ये लोग और क्या चाहते क्या हो तुम लोग? ये SMP अब हमारी है। क्या हलवा हमारी है, हलवा हमारी है प्रेसिडेंट साहब? एक सेकंड चले जा तेरे प्रेसिडेंट ने, तेरे प्रेसिडेंट ने उधार नहीं दिया SMP का। क्या प्रेसिडेंट ने उधार नहीं दिया? कौन से प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो? मैं हूँ प्रेसिडेंट यहाँ का। वो मैं नहीं जानता भाई, कोई भी प्रेसिडेंट हो मुझे मेरे उधार से मतलब है भाई, ₹1000 का भाई तुमने। क्या ये हंस क्या रहा है, हबीबी के बच्चे कहाँ गया? इसकी ऐसी ए हबीबी के बच्चे ज्यादा मत, तेरी ऐसी हंस रहा है मेरे पे। प्रेसिडेंट है ना तू, अभी प्रेसिडेंट है ना, चल पैसे निकाल। क्या नहीं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है क्या? मैं खुद अभी बेहाल ऐसे कंगाल घूम रहा हूं। निकल यहां से, निकल, मत जाना यहां पे, SMP हमारी अब। क्या ये हेलो, ये क्या ऐसे कब्जा कर रहे हो, ऐसे चलेगा नहीं यार, मैं चीफ को बताऊंगा, चीफ तुम्हें अंदर कर देगा सबको। बताने के लिए जाना भी पड़ता है शायद वहां तक। क्या कर रहे हो पर ये हेलो, अरे एक सेकंड, अरे जल्दी भाग ले, जा रहा हूँ अरे बस करो भाई मर जाऊंगा। हेलो अरे आ जाओ, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चले गया आएगा अपन देख लेंगे फिर। गाइस से कौन से प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मैं हूँ यार अभी फिलहाल का प्रेसिडेंट और मैंने इनसे कोई उधार नहीं लिया है भाई। और एक सेकंड तुम लोग हो कौन? हम पाशा गैंग के बंदे हैं और हमारे इधर आया ना तो मार के ना चांटे मार के टाट टंगली कर देंगे। क्या एक सेकंड, ये एक सेकंड, पाशा गैंग नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है भाई, बहुत फेमस है हम लोग, ठीक है?
यही अपने चेले को चुप कराओ या हबीबी नाम के पाशा गैंग जिंदाबाद। उसका मुंह हटेगा भाई, तू निकल यहाँ से। कौन से उधार की बात कर रहे हो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया यार। भाई सर्वर की पेमेंट नहीं दी है इसने, तेरे प्रेसिडेंट ने, अब जो भी है मैं नहीं जानता। क्या बातें कर रहा है ये बंदा, हेलो क्या घंटा भाई, ऐसे तुम ऐसे हत्या नहीं सकते हमारी एसएमपी को भाई। ये सर्वर ना फ्री में नहीं चलता, पैसे देने पड़ते। क्या लोग है यार ये भाई, पाशा गैंग के बंदे आ गए, अटैक कर दिए एसएमपी पे, और इस वक्त ओसिरिस कोई भी नहीं है भाई। यार अगर कोई होता ओसिरिस वगैरह तो एटलीस्ट लड़ तो लेते हम इनसे। मैं अकेला था वो भी आयरन आर्मर में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके दो चेलों के पास तो डायमंड आर्मर था ही। अरे क्या यार गाइस, मेरे को धक्के मार के इन लोगों ने निकाल दिया यार। क्या यार भाई, प्रेसिडेंट के साथ कोई ऐसा करता है क्या? बट वेट, ये उधार उधार की बात कर रहा था, ये कहीं लास्ट प्रेसिडेंट की तो कोई उधार की बात नहीं थी? एक सेकंड, मेरे से पहले प्रेसिडेंट था विजया। एक सेकंड, हाँ विजया ने पक्का इसे उधार लिया होगा और अभी लौटा नहीं रहा होगा। विजया तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को एसएमपी से क्या निकाला भाई लौंडा। यार विजय भाई ने तो अपने उधार ही नहीं दिए किसी को। ए यार विजय ने उधार नहीं दिया, भुगत हम रहे उसको। विलेजर तो मेरे को क्या ही बताएगा। ए मोटी नाक वाले सुन सुन सुन, मेरा दोस्त विजय देखा है तूने? हाँ हाँ, किधर देखा है बता बता, किधर देखा है? उधर 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 मुंडी कर रहा है, दिखे जरा उधर देखते हैं भाई। वे आज हम विलेजर के दम पे चलेंगे, ठीक है गाइस? विलेजर जैसा बताएगा हम वैसा चलेंगे। एक सेकंड, वो वेट, इतना बड़ा घर किसका है ये? ये कोई नया बंदा है क्या एसएमपी में? हेलो किसका घर है भाई? हेलो क्या क्या कौन है ये? वेट मैं यहाँ पे आया, और ये कौन है? बॉडीगार्ड। एक सेकंड, ये कौन से अमीर बंदे का घर है? बॉडीगार्ड रख रखा है इसने यहाँ पे। ओके बॉडीगार्ड से पूछताछ करते हैं। अच्छा वैसे बॉडीगार्ड भाई, तुम बता सकते हो कि ये घर किसका है? और देख क्यों, ये घर बीजेआई का है, अगर तुमने कोई भी हरकत की तो वो तेरे को डंडे मार के निकालेगा। तेरे को याद है ना तुमने बीजेआई को कैसे निकाला था? बीजेआई तेरा दुश्मन है, दोस्तों ने कट ले यहाँ से। एक सेकंड, हाँ इतनी अकड़। हाँ बॉडीगार्ड तेरी ऐसी की तस्वीर को, प्रॉक्सिमिटी चैट ऑन करता हूँ। ए विजया के बच्चे, क्या हाँ क्या खुद को क्या अमीर समझ के रखा है? नीचे आओ। क्या है देखो, क्या है भाई? कहा हो विजया, नीचे आओ, नीचे के बात करो। हाँ क्यों क्यों क्यों, डायमंड आर्मर क्या क्या है युग? तूने तो मेरे को एसएमपी से निकाल दिया था ना, है? अब मेरे से कोई मदद की उम्मीद मत रखना, निकल जा यहाँ से, बाहर निकल, मार दूंगा। क्या मार क्यों रहे हो? देखो सुनो, मेरे को एक बहुत जरूरी बात है। वो पाशा गैंग जानते हो ना, वो आई थी एसएमपी में। हाँ तो उसका मैं क्या करूँ? मैं कोई मदद नहीं कर सकता। क्या अपनी बात तो सुनो पूरी, तुमने पाशा गैंग से उधार लिया था, वो तो चुका, वो मेरे सर के पीछे पड़ी हुई है और उन्होंने पूरा स्पॉन हाईजैक कर रखा है। प्रेसिडेंट तू है कि मैं हूँ? जा चुका भाई। यार गाइस ये तो मान ही नहीं रहा है भाई, अभी तक उस सदमे में कि हमने इसको एसएमपी से बाहर निकाला था। अबे क्या यार, चुपचाप मेरी हेल्प कर, मेरे से फालतू पंगा नहीं लेने का, मार दूंगा मैं फालतू में, ठीक है ना? यार तो बॉडीगार्ड लग रहा, पता नहीं कितना पैसा छाप लिया वैसे। हाँ वैसे ये बताओ यार, तुम बिजनेस क्या करते हो? वो तेरे को क्यों बताऊं, मैं जरूरी नहीं समझता तेरे को बताना भाई। मेरे को लग रहा है पक्का कुछ तो दाल में काला है, और यार ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है, और ये मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा। इसको कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ। देखो विजय, मैं जानता हूँ कि तुमने एसएमपी से निकाला था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और देखो यार, अब मैं वापस से तुम्हें एसएमपी में ले जाने के लिए आया हूँ, और नए इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या मेरी बात सुनो, बात तो सुन, बात इलेक्शन के लिए आ रहा है ना, इलेक्शन वोट मांग रहा है मेरे से, हैं? वोट नहीं मांग रहा, बात तो सुनो मेरी, पूरी बात सुनो। मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ कि तुम इलेक्शन में खड़े रह सकते हो, मैं तुम्हें वोट करूंगा। अच्छा तू मेरे को वोट करेगा, जो मेरे को एसएमपी से निकाल दिया वो मेरे को वोट करेगा? अच्छा हाँ मैं करूंगा यार एसएमपी में वोट यार। और देखो यार, मेरे को तुमसे थोड़ा सा पैसा चाहिए था, वो उधार। अरे चल चल, रास्ता ना ब्रो, यहाँ पर कोई जगह नहीं है तेरे, एक सेकंड तेरी ऐसी तैसी। अच्छा, मेरे से आर्मर देख ले बेटा। शिट, देखो यार विजय मैं कह रहा हूँ यार, अभी भी मान जाओ। मैं क्या मान रहा हूँ भाई, एसएमपी से तूने निकाला था कि मैं निकला था अपने आप है भाई? वो पुरानी बात है ना, अभी नया सीजन है, तो क्या यार तुम ऐसे गुस्सा हो अभी, तो भूल जाओ यार। अच्छा भूल जाओ, रुक जा, तेरे को तो मैं बताता हूँ, तेरे को भुलाता हूँ, मैं अच्छे से भुलाता हूँ सब कुछ। ओ शिट शिट शिट, ओ शिट, आ जाओ, रुक जा, तेरे को भुलाता हूँ ना मैं, सब कुछ भूल जा तू, आ जा भाई। देखो यार मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, मान जाओ अभी भाई। देखो मर जाओ, देखा मैंने बोला भाई मर जाओगे।
युग अब तो तू गया, कसम से बता रहा हूँ अब तो तू गया भाई। ओ यार विजय यार आ जाएगा वापस से मारने के लिए। एक काम करता हूँ, अभी तो वो कहीं दूर स्पॉन हुआ लग रहा है क्योंकि वो उसके घर के अंदर तो नहीं है। इसका घर चेक करता हूँ और फटाफट से थोड़ा बहुत सामान मिलेगा वो चुरा लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेगा इस, मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा और बॉडीगार्ड को पता ना चले, मेरे को छुपके से इसके घर के ऊपर चढ़ना होगा। ओके वैसे गाइस कैसा बॉडीगार्ड है इसका, जब ये पिट रहा था तब ये इसको बचाने भी नहीं आया है। बॉडीगार्ड भी मतलब ही होने लगे पता है आजकल। ओके दोस्तों कोई बात नहीं, मेरे को भी सारी चेस्ट छाननी पड़ेगी और जितना भी पैसा मिलता है सारा निकालना पड़ेगा। अरे यार गाइस माल पानी किधर है, विजय आता होगा। अरे गाइस माल पानी किधर है, पैसा किधर है, सारा छुपा के कहाँ रखा है इसने। माल पानी यार विजय आता ही होगा, मेरे को आके टपका देगा वो, क्या करूं मैं। ओके ओके यहाँ पे देखते हैं आसपास कहीं पे मेरे को कांच वाच तोड़ के कहीं पे बाहर ऐसे कुछ दिख जाए। एक काम करते घर की छत के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। अबे वेट, ओ बच गया, ओ भाई बच गया बच गया बच गया। ओके काम करता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ एंड ट्राइडेंट को मारते हैं और चलो आ चुका हूँ मैं भी घर के ऊपर, लेट्स गो। अभी मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे छत पे कहीं कोई तिजोरी वगैरह छुपा के तो नहीं रखी इसने। हाँ ओके यहाँ पे चेस्ट है, इसकी इस चेस्ट के अंदर क्या है, ओ इतना सारा पैसा। ओके ओके इसके अंदर से मैं उधार चुका दूंगा उन लोगों का और पाशा गैंग निकल जाएगी भाई, सारे के सारे डायमंड ब्लॉक निकाल लेते हैं। चलो तो भाई इतना उधार काफी रहेगा, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है मैं दे दूंगा, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है यार। विजय आता ही होगा भाई, आप लोगों ने देखा ना गाइस उसके पास कितना सारा पैसा है यार, क्या पता उसके पास नेदरराइट आर्मर हो और वो नेदरराइट आर्मर लेके आ जाए मेरे को मारने के लिए। नहीं 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 भाई चुपचाप से निकल लो यार, फटाफट से पाशा गैंग के पास पहुंचना पड़ेगा अगर मेरे को ना अगले इलेक्शन के अंदर वोट्स चाहिए तो, मेरे को एसएमपी का भला भी तो करना है गाइस। तो उसके बाद मैं सारा का सारा माल पानी पाशा गैंग को तो लौटा देता हूँ, पर अब देखना ये है कि क्या अगले इलेक्शंस में मैं जीतूंगा या नहीं।